इस लेक्चर में हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टैंडिंग वेव जो हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव में, उसी से जस्ट मिलता जुलता हेडिंग है। एन ऑर्गन पाइप इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में एक पाइप होता है जो कि एक एंड से ओपन होता है और एक एंड इसका क्लोज होता है। ये क्लोज ऑर्गन पाइप बोला जाता है जिसका एक एंड ओपन होता है और एक एंड क्लोज होता है। इस तरह से पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन रहता है। इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने मान लो ट्विनिंग फॉर्क से इसको वाइब्रेट करा, तो इसमें एयर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट करता है, जैसे यहां पे अगर हम ट्विनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करें तो यहां का एयर मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो जर्नी करने लगता है और यहां का मॉलिक्यूल जो कि यहां पे स्टेशनरी है ये वाइब्रेट नहीं करेगा। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे प्रेशर का वेरिएशन मिनिमम होगा, यहां पे डेल्टा पी मिनिमम रहेगा, जबकि यहां पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा मैक्सिमम। यहां पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होगा क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां पे करीब करीब जीरो होता है और यहां पे पार्टिकल का वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम जो बन सकता है, यहां का पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा और यहां से टकरा के जब पार्टिकल लौटेगा, यहां पर वेव जब टकरा करके लौटेगा तो इस तरह से एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा। और ये जो पाइप है इसका लेंथ अगर एल है तो ये मिनिमम 1/4 आधा लूप बना सकता है, और अगर ये आधा लूप बनाता है ये एंड इसका क्लोज है, यहां पर एंड जो है ये बंद है, तो ये आधा लूप बनाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में मिनिमम पॉसिबल स्टैंडिंग वेव बनने का है कि एक एंड जो है जो क्लोज एंड है यहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड रहे और यहां पर प्रेशर का मिनिमम वेरिएशन हो, तो एल हमारा हो जाएगा कितना लेमडा बाई 4। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये उसी तरह का वाइब्रेशन है, एक धागे का वाइब्रेशन हम लोग देखे थे जिसमें एक एंड रिजिडली फिक्स था और दूसरा एंड फ्री टू वाइब्रेट था। तो मिनिमम पॉसिबल सिचुएशन ये है कि एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4। और हम यहां से बोल सकते हैं कि लेमडा जो हमारा हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4L। और अगर लेमडा 4L है तो हम यहां से बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। स्पीड ऑफ साउंड वेव जो इस मीडियम में होगा ये हमें पता है, वी जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर गामा आर टी बाई एम। एम इज द मॉलिकुलर वेट, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। सो इसका हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, और लेमडा का वैल्यू हमारा 4L है तो यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/4L रूट ओवर गामा आर टी बाई एम। तो ये हमारा स्पीड बाई लेमडा हुआ, ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है जिसपे ये स्टैंडिंग वेव इस क्लोज ऑर्गन पाइप में फॉर्म होगा। इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फर्स्ट हार्मोनिक भी होता है और उसका वैल्यू होता है v बाई लेमडा विच इज इक्वल टू 1/4L रूट ओवर गामा आर टी बाई एम। इसके बाद जो पहला कंडीशन ये है कि एक तो ये मिनिमम पॉसिबल है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरा पॉसिबल कंडीशन ये होता है कि इसमें ये एंड जो है हमारा यहां पर एक नोड बने और यहां पर एंटी नोड बने। तो अगला सिचुएशन ये है कि ये जो वेव लौटे तो यहां पर प्रेशर का वेरिएशन मिनिमम रहेगा। तो इस सिचुएशन में अगर बना रहा है, अगर हम देखें तो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी जो हो सकता है, जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हो सकता है उसमें डेढ़ लूप बने। यहां पर पार्टिकल का एंटी नोड रहेगा और यहां पर पार्टिकल का एंटी नोड रहेगा। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा बट इसको हम लोग इस तरह लूप से दिखाए हैं। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा एल दैट इज इक्वल टू 3λ/4, और ये अगर एल 3λ/4 है तो जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज इक्वल टू वी बाई लेमडा, और v तो हमारा ये हो जाएगा, यहां से जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4L रूट ओवर v का मतलब गामा r इंटू टी बाई मॉलिकुलर वेट। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, बट दिस इज इक्वल टू 3 times फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लोग थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं। इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं होता, ये जस्ट लाइक स्ट्रिंग जिसका एक एंड रिजिडली फिक्स है और एक एंड फ्री टू वाइब्रेट है, उस तरह का कुछ सिचुएशन है। तो ये थर्ड हार्मोनिक होता है क्योंकि ये 3 times म्यू नॉट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना ज्यादा है, इसलिए इसको थर्ड हार्मोनिक बोलते हैं। क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद पहली बार ये स्टैंडिंग वेव बना है, इसलिए इसको फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटोन इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल के बाद पहली बार स्टैंडिंग वेव बना है। थर्ड हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं कि ये फंडामेंटल का 3 times है। सो ये हमारा नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से अगला फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज इक्वल टू, इसमें अगला फ्रीक्वेंसी में हम बोल सकते हैं कि इसमें 2.5 लूप बन जाए। ये हमारा ट्यूब है और इसमें
ये हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है और यहां से अगर पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करे कि ये पॉइंट हमारा नोड रहे, ये पॉइंट हमारा एंटी नोड रहे, तो इस सिचुएशन में बोलेंगे एल इज इक्वल टू ये लेमड़ा बाई फोर कितना हो जाएगा 5 इंटू लेमड़ा बाई फोर, ये लेमड़ा 2 टाइम्स लेमड़ा बाई फोर है, इस तरह से ये लेंथ हमारा लेमड़ा बाई फोर होता है, ये हमारा लेमड़ा बाई टू होता है, ये लेमड़ा बाई टू होता है, ये लेंथ हमारा हो जाएगा लेमड़ा बाई टू, ये लेंथ हो जाएगा लेमड़ा बाई टू और ये लेंथ हो जाएगा लेमड़ा बाई फोर, इन सबको जोड़ेंगे तो एल बराबर इतना और यहां से बोलेंगे लेमड़ा हमारा हो जाएगा 4L/5 और इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अगला हायर फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज इक्वल टू वी बाई लेमड़ा और लेमड़ा का वैल्यू हो गया 5/4L रूट ओवर वी मतलब रूट ओवर गामा आर इंटू टी बाई एम, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ हार्मोनिक क्योंकि ये 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग या तो फिफ्थ हार्मोनिक बोलते हैं या ये फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे, या क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 टाइम्स म्यू नॉट है, या इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं, सेकंड ओवरटोन इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल के बाद दूसरी बार ये स्टैंडिंग वेव बना, मतलब इस तरह से अगर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है तो उसमें ऑल ऑड हार्मोनिक्स आता है, सारे ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, इवन हार्मोनिक मिसिंग होता है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप में नहीं आता, तो ये हमारा हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप का बेसिक फंडामेंटल चीज है। अब हम लोग बात करेंगे अगला, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में वो पाइप जिसका दोनों एंड ओपन होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में इसका दोनों एंड जैसे ट्विनिंग फॉर्क को, तो यहां पर भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है और यहां का पार्टिकल भी मैक्सिमम वाइब्रेट करता है, तो मिनिमम एक यहां पे नोड बन जाता है, तो इस सिचुएशन में अगर हम बोले ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड ओपन होता है और इसके अंदर जो एयर इंट्रैप होता है इस तरह से वाइब्रेट करता है कि यहां का पार्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेट करता है बट बीच में एक ऐसा नोड बन जाता है जहां पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करता, तो इसमें हम लोग बोलेंगे एल इज इक्वल टू लेमड़ा बाई टू क्योंकि ये लेंथ हमारा लेमड़ा बाई फोर है और ये भी लेमड़ा बाई फोर है, तो लेमड़ा हमारा हो जाएगा कितना, लेमड़ा इज इक्वल टू 2 times L, तो यहां से फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखेंगे म्यू विच इज इक्वल टू वी बाई लेमड़ा, ये हो जाएगा 1/2L रूट ओवर वी का मतलब होता है गामा आर टी बाई एम, तो ये हमारा हो जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब वो पाइप जिसका दोनों एंड ओपन रहेगा, ये मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, दिस इसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। इसका नेक्स्ट हायर सिचुएशन ये है कि यहां का पार्टिकल बीच में एक नोड के जगह पे दो नोड बन जाए, एक नोड यहां पे और एक नोड यहां पे, तो ये जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक लेंथ है लेमड़ा बाई टू और यहां से यहां तक लेमड़ा बाई टू, तो एल हमारा कितना हो जाएगा लेमड़ा के बराबर, यहां से हम देख सकते हैं एल इज इक्वल टू 2 times लेमड़ा बाई टू, तो इस सिचुएशन में म्यू जो हो जाएगा विच इज इक्वल टू वी बाई लेमड़ा और लेमड़ा का वैल्यू हम यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/2L रूट ओवर गामा आर टी बाई एम और ये गामा आर टी बाई एम हमारा स्पीड है, तो यहां से बोलेंगे दिस इज सेकेंड हार्मोनिक बिकॉज ये 2 times फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप है, इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं या फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल का जस्ट डबल है, फर्स्ट ओवरटोन इसलिए बोलते हैं कि फंडामेंटल के बाद पहली बार स्टैंडिंग वेव इस ओपन ऑर्गन पाइप में बना, इसके बाद जो सेकंड अगला फ्रीक्वेंसी होगा दिस इज इक्वल टू 3 times म्यू नॉट, इसमें ओपन ऑर्गन पाइप में ऑल ऑल हार्मोनिक्स पॉसिबल होता है, मतलब इसमें म्यू नॉट अगर फंडामेंटल है तो अगला फ्रीक्वेंसी 2 μ0 होगा, उसका अगला फ्रीक्वेंसी 3 μ0 होगा, 3 μ0 को हम लोग सेकेंड ओवरटोन ही बोलते हैं, इसके बाद फोर्थ हार्मोनिक में होगा जिसको हम लोग थर्ड ओवरटोन बोलते हैं, तो सारे हार्मोनिक्स इसमें आएंगे, सो ये हमारा हो गया ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें एक एंड करेक्शन हमें लेना होता है, जैसे मान लो ये एक ट्यूब है तो एक्चुअली में जो एयर होता है ये थोड़ा ऊपर से, जैसे ये मान लो हमारे पास एक ट्यूब है, इसका लेंथ अगर हम बोले यहां से यहां तक का लेंथ अगर एल है, तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर एल है तो एयर जो है थोड़ा ऊपर से वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और ये लेंथ को हम लोग एंड करेक्शन बोलते हैं, ये एंड करेक्शन एल डैश होता है जिसका वैल्यू 0.6 R होता है, मतलब अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है
तो एक्चुअल में लेंथ हमें कितना लेना होगा, एल प्लस 0.6 आर, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो इस तरफ भी एल डैश लेना होगा और इस तरफ भी एल डैश लेना होगा, मतलब इसको एंड करेक्शन 2 आर लेना होगा, तो ये हो जाएगा 1.2 आर, और आर जो है ये रेडियस ऑफ ट्यूब होता है, तो एंड करेक्शन में एयर जो है थोड़ा ऊपर से वाइब्रेट करता है, ये लाप्लास करेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से एंड करेक्शन हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में लेंगे, मतलब अगर एंड करेक्शन लेना है तो इसमें जैसे कि हमने क्लोज ऑर्गन पाइप लिया था, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में हम लोग ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप लिए इसमें एल के जगह पे एल प्लस 0.6 आर जोड़ देंगे, मतलब ये लेंथ के जगह पे एल हम ले लेंगे वो ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ प्लस 0.6 आर, ये हमारा एक्चुअल लेंथ यहां पे ले लिया जाएगा एंड करेक्शन के हिसाब से। ज्यादातर क्वेश्चन में एंड करेक्शन लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, अगर एंड करेक्शन के बारे में नहीं बोला तो हमें एंड करेक्शन शायद नहीं लेना रहेगा।